यह कृष्ण उधर से आना उन गोपियों को, उन ग्वाल बाल को और अपनी माँ को याद करके रोते हैं। परीक्षित, ओ परीक्षित, यह कृष्ण रोते का सहारा है, यह कृष्ण जिसका कोई सहारा नहीं ऐसे बेसहारे का सहारा है और रोने वाले को चुप कराने वाला है। लेकिन आज यह कृष्ण द्वारका में अकेला बैठ करके रोता है। लेकिन जो बालपन में यशोदा और नंद जी का जो प्रेम मिला है ना, और गोपियों का प्रेम मिला है, वह आज याद करते हैं कन्हैया और याद करके फूल फूल के रोते हैं। परीक्षित, भोजन करते समय माखन को थाली में आए तो उसे अपना गोकुल व्रत याद आता है और रो पड़ता है। खटिया पर पलंग पर सोने जाता है तो देखने वालों को तो ऐसा ही लगता है कि कृष्ण सो चुका है। और उस समय उद्धव जी कहते हैं, मैंने कई रातों तक जब कृष्ण की चरण चमकी, जब कृष्ण के चरण दबाने जाता हूं, वह कृष्ण रजाई के अंदर अपना मुंह ढक करके सो रहा होता है, लेकिन वह तो सोने का नाटक करता है। और जब मैं चरण दबाता हूं तो मुझके उनकी सिसकियों की, रोने की जो सिसकियां भरते हैं ना, रोते रोते इतना रोते हैं, तब मैं चरण दबाते दबाते कहता हूं कि गोविंद आप क्यों रोते हो। तब कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि उद्धव, मेरी प्रेम की पीड़ा तू नहीं जान सकता, तू मेरा भक्त है लेकिन ज्ञानी, तू मेरा ज्ञानी भक्त है लेकिन जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, जिन्होंने मुझे प्रेम दिया है, उन प्रेमी भक्तों की, उन प्रेमी भक्तों से जो बिछड़ने का जो दुख है वह तुझे नहीं पता लगेगा। बड़े बड़े
बड़ा परम भक्त है, लेकिन जो प्रेम की बात है ना, वह तो गोपियां जान सकती है, वह प्रेम की बात तो मेरी माँ जान सकती है, वह प्रेम की बात तो गोकुल व्रजवासी जान सकते हैं। इसीलिए कहते हैं तो प्रेम की बात है। बोलो प्रेम प्रेम सब करे प्रेम न जान को
प्रेमी भक्त बड़ा है या ज्ञानी भक्त बड़ा है।
चुनी वृंदावन जा और देख, इस बार तू जब रथ लेकर के जाएगा तो वह गोपियां तुझे बड़ा उलाहना देगी। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी जब मुझे लेने गए थे तब से गोपियों को अक्रूर के प्रति बहुत गुस्सा है, इसलिए वह आपसे लड़े नहीं, मेरा संदेश बात समझ करके आपसे प्रेम से बात करें, इसलिए चाहते थे। तब मां कहती है,
तो आपको प्राण का संदेश लेकर के आया हूं। क्या संदेश दिया है मेरे कन्हैया ने? आज तक मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन आज मैं मेरी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा हूं। मां, आपका पूरा शरीर सूख चुका है, नंद बाबा का शरीर सूख चुका है। यह बताता है कि आपने अन्न जल को त्याग किया है, लेकिन मां आपका प्रेम, यशोदा आपका प्रेम इतना पुण्यवान और बलशाली है। आपने यहां अन्न जल छोड़ा है तो कृष्ण ने कुछ बाकी नहीं रखा, अर्थात वह कृष्ण के आगे जब थाली लगाई जाती है तो वह कृष्ण उन व्यंजनों को देख करके आपकी याद करता है कि एक दिन मेरी माँ मुझे पकड़ करके बिठाती थी और इसी प्रकार से थाली में व्यंजन लगाती थी और व्यंजन लगा करके मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। लेकिन आज जब से द्वारका में आया हूँ तब से मुझे खिलाने वाला कोई नहीं है और मुझे अकेला खाना पसंद नहीं है। आगे बात आएगी, कृष्ण कभी अकेले नहीं खाते। आज जब मां खिलाने वाली नहीं है तो कृष्ण भी भोजन नहीं करता। मैं उसे बहुत आग्रह करता हूं कि कृष्ण आप भोजन करिए। वह माखन को देख करके, आपके हाथ के द्वारा पकवानों बनाए पकवानों को देख करके रो पड़ता है और वहीं भोजन का त्याग करता है। कितने महीनों से उसने भोजन नहीं किया, रोज रात को अटारी पर जाकर के रोता है। तब मां के दिल में जो उमंग पड़ा और उस उमंग ने प्रेम रूप में आंखों में से आंसू की बरसात होने लगी। आखिर में बेटा तो मेरा ही है ना। अब पता लगा जितना मैं याद करती हूं उतने से ज्यादा वह मुझे याद करता है, इसलिए रोज मुझे हिचकियां आती है। अब साबित हुआ कि मेरा कृष्ण मुझे नहीं भूला। यही तो मां का महिमा है। जिनके दरबार में, जिनके घर में मां नहीं है ना, एक बार उन बच्चों से पूछना, मां का बिना घर, मां बिना का घर कैसा लगता है? जैसे उसे खाने को तोड़ रहा हो, क्योंकि जब तक घर के अंदर मां थी तब तक उस मां के प्रेम में मैं इतना आनंद करता था, लेकिन आज घर में जब मां नहीं है तो यह घर मां के बिना सूना लगता है। इसलिए मैं सभी बेटे और बेटियों से कहना चाहता हूं कि जिनकी मां अभी भी इस धरती पर है, जिनकी मां अभी भी इस धरती पर है, तो जितना पुण्य कर्म कमा सको उतना पुण्य कर्म कमा लेना। अपने जीते जी, मां बाप के जीते जी, मां बाप हमसे कभी दुखी नहीं होने चाहिए। अरे मां को पानी चाहिए तो मां को दूध ले जाकर के दो, और मां को दूध चाहिए तो मेवा ले जाकर के दो। लेकिन मेरी मां ने बचपन से लेकर आज तक मेरे हर एक इच्छा का ख्याल रखा है। अब मेरा फर्ज है कि मेरे मां बाप इस धरती पर अभी जिंदा है तो जितना बने उसकी सेवा कर लीजिए। जिस दिन मां और बाप का सानिध्य आपके परिवार में नहीं होगा, उन जिनके परिवार में मां बाप का सानिध्य नहीं है, उन बेटों को पूछना कि अपनी छाती पर हाथ लगा करके कहें कि मां थी बाप थे तब कितना प्रेम बरसता था, आज मां बाप के बिना का घर कैसा खाने को दौड़ता है। लेकिन कई संतानें ऐसी बन जाती है निष्ठुर कि घर में बहू नहीं आई तब तक मां
ऐसा होता था, कृष्ण की शादियां बहुत हुई है, कई वह भी तो ऐसा नहीं निकलेगा। कृष्ण की शादी बहुत हुई है, बहुत बहुएं लाया है, कहीं उन बहुओं के प्रेम में मुझे भूल तो नहीं गया। लेकिन आज साबित हुआ कि बहु भले ही इतनी सारी लाया है, लेकिन आज तक कृष्ण हमें नहीं भूला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कथा के माध्यम से, जिनके माता पिता आदि इस धरती पर हैं, उन्हें जितना हो सके अपने माँ बाप को प्रेम कर लेना चाहिए, उनसे बातें कर लेनी चाहिए, उनके मन की बात जान लेनी चाहिए। जब हम छोटे थे और बिस्तर गीला करते थे आधी आधी रात को, एक बार नहीं माँ अनेक बार जगती है और देखती है जब बालक रोता है तो समझ जाती है कि बिस्तर इसने गीला किया है, अपने सूखे बिस्तर में उस बालक को सुलाती है और खुद गीले बिस्तर में सो जाती है। ऐसे माँ का जैसा प्रेम करने वाला, माँ तो माँ होती है, माँ के दिल को समझना हो तो माँ बनना पड़ता है। एक माँ का बालक अमेरिका चला गया और माँ उसे रोज याद करती है, वह बालक रोज याद करता है। मैं कैसे अच्छे संतान की, अच्छे बालक की और बुरे बालक की बात करूंगा, और मेरे इसी प्रयास से किसी बेटे के दिल में आज भी माँ के प्रति प्रेम उमड़ जाए तो यह कथा हमारी सफल हो जाएगी। इसलिए कहा है, सबसे प्रथम पूजनीय देव जो कोई हो तो वो इस धरती के देव अर्थात माँ और बाप है। इसलिए जब घर से बाहर निकलो तो माता पिता के चरण छूकर निकलना। हम भले ही पैसे वाले, धन दौलत वाले कितने ही करोड़पति हो जाएं, लेकिन माँ के तो बालक ही रहेंगे, माँ के तो बेटे ही रहेंगे। जिस प्रकार से माँ ने बचपन में
बेटा तो मेरा है। इस धरती पर सबसे पहला जो कोई देव है तो वह है माँ और बाप। इसलिए कहते हैं तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव विद्या श्रवणम त्वमेव, तमेव बंधु च सखा त्वमेव, तमेव सर्व मम देव देव। मेरे लिए सबसे पहले इस धरती पर जो कोई देव है तो वह मेरे माँ बाप। इसलिए जब घर से निकलो माँ बाप के चरण स्पर्श करकर निकलना, आपके संकट मार्ग में जो संकट है उन संकटों को नष्ट करता है माँ बाप का आशीर्वाद। लेकिन जीते जी माँ हमारे से दुखी हो जाए ऐसा कर्म मत करना। और लिखा है कि जो जीते जी अपने माँ बाप को दुख देता है, जो जीते जी माँ बाप को दुख देता है मरने के बाद उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। क्योंकि तो जिस माँ बाप ने बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया, हमें हर एक अनुभव कराया, और उसी माँ बाप का जब आज वृद्धावस्था हुई है, आज हमें माँ बाप के उस ऋण में से मुक्त होना है। लेकिन माँ बाप के ऋण में से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता, चाहे लाखों करोड़ों की संपत्ति न्योछावर करके बड़ा करोड़पति अरबपति बन जाए, लेकिन माँ बाप के ऋण में से कभी कोई बालक मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन माँ बाप के ऋण में से मुक्त होने का प्रयास तो कर सकता है। इसीलिए माँ बाप को कभी भूलना मत। आज यशोदा कहती है तो मेरा ही बालक ना। आज उद्धव की आंखों में जो ज्ञानी थे ना, आज उनकी आंखों में आंसू आ गए, वह मिल गए। और यह यशो जब ये ब्रज में पता लगा कि उस दिन क्रूर आया था, आज कौन आया देखने तो चले। और जब यह गोपियां आई ना, तब जैसे ही गोपियों ने प्रवेश किया उस समय एक भ्रमर के रूप में फूलों के ऊपर भंवरा मंडराने लगा। उस मंडराते हुए भंवरे को देख करके गोपियां कहती है, अरे काले कलुटे तू भी वही कृष्ण है। उस भवन को देख करके गोपियां कहती है, ये दृश्य उद्धव जी देख रहे हैं कि तू वही कृष्ण है, वह कृष्ण भी तेरी तरह है। गोपी रूपी पुष्प के ऊपर रात दिन मंडराता रहता था। अब तो काला रूप देख करके भी, अब तो कुछ काला दिखाई देता है ना तो भी डर लगता है कि कहीं से प्रेम ना हो जाए। तू काला है, सांवला है और मटवाला है। आज भंवरे को देख करके गोपियां कह रही हैं कि तू वही कृष्ण है ना, जो गोपी रूपी पुष्प के चारों तरफ मंडराता था। बोलता था, गोपी हे माधवी हे रंगवेणी हे सुभद्रा, अनेक नामों से पुकार करके भंवरे की तरफ मंडराता था, लेकिन तेरे में और कृष्ण में जरा भी फर्क नहीं है। तू भी कपटी है और वह काला कृष्ण भी कपटी है। क्यों? क्योंकि भंवरा जब पुष्प के ऊपर मंडराता है उस पुष्प में से सुगंध और रस लेकर के उड़ जाता है, फिर उस फूल के पास वापिस नहीं आता। गोपी रूपी पुष्प का जो प्रेम रूपी रस, गोपी रूपी पुष्प का जो प्रेम रूपी रस है वह तूने, वह कृष्ण ने प्रेम रूपी रस का पान करके जैसे भंवरा छोड़ करके गया है, वैसे वह काला कलुटा हमें छोड़कर चला गया। कपटी है तेरी तरह वह भी। उद्धव जी कहते हैं, गोपियां कृष्ण को कपटी मत कहो, वह कृष्ण कपटी नहीं है,
वह तो रात दिन आपको याद करके रोता है। अरे जा, वह क्यों रोया था? वह भी उस दिन हमको समझा कर चला गया। आज कृष्ण को आपको लाना चाहिए, लेकिन कृष्ण को आप नहीं लाए। लेकिन इस कृष्ण ने यह पीतांबर और वैजयंती माला प्रसाद के रूप में दी है कि यह प्रसाद देखेगी, उस प्रसाद को अपनी आंखों से लगाएगी तो गोपियों की जो हृदय की ताप अग्नि है वह शांत होगी। कृष्ण कैसे दिखते हैं? भवरे की तरह सांवले। और राधिका कैसी है? गोरी गोरी। तब बचपन में किसी ने कृष्ण से पूछा होगा कि कृष्ण, तेरी माँ और तेरे बाबा दोनों गोरे हैं, लेकिन तू आज इन दोनों के बीच में काला क्यों हो गया? तब कृष्ण ने माँ से पूछा था बचपन में, माँ आप दोनों गोरे हैं लेकिन मैं सांवला क्यों हूँ? तब कृष्ण ने को माँ ने कहा था कि बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था ना, उस समय हम सब सो रहे थे और उस समय घोर अंधकार में पूरी धरती निपट चुकी थी। हम भी अंधेरे में थे और यह धरती भी अंधेरे में थी। तो जो रात का अंधेरा था ना, तूने रात को कब जन्म लिया बताया? रात को 12 बजे। और रात को 12 बजे अंधकार होता है, अंधेरा होता है, काला अंधेरा। बस तूने रात को जन्म लिया, उस जन्म लेने के कारण जो रात का अंधकार था, वही अंधकार, वही काला रूप तेरे से जाकर के चिपक गया, इसीलिए तू काला है और हम गोरे हैं। बोले मुस्काती मैया, काली अंधियारी आली रात में।
जो घोर अंधकार धूपी काली चदरिया वह तूने ओढ़ी, क्योंकि मैं सो रही थी, बाबा सो रहे थे और सभी गोपियां सो रही थी, एक अकेला तू चिल्ला रहा था और वही राम की काली कमरिया तूने ओढ़ी, इसलिए तू सांवला हो गया। लेकिन सांवला है लेकिन मद वाला है, कमरियां मारती माधुरी इस कृष्ण की है, तो कृष्ण काले हैं सांवले हैं, इसलिए हम उन्हें सांवलिया कहते हैं। और राधा जी कैसी है, माँ बाप गोरे राधा जी गोरी, इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर इन राधा जी की और कृष्ण की जोड़ी को देखकर बड़ा सुंदर एक पंक्ति लिखी है, कि देखो गोरे शरीर पर, गोरे शरीर पर तिल जो काला हो, गोरे शरीर पर तिल जो काला हो तो वह बेजोड़ है, गोरे शरीर पर तिल काला हो तो वह बेजोड़ है, और काले शरीर पर तिल जो सफेद हो तो वह ओढ़ है, गोरे बदन पर तिल काला वह बेजोड़ है और काले बदन पर सफेद तिल वह ओढ़ है, कृष्ण और राधा की जोड़। गोरा कृष्ण काले कृष्ण और गोरी राधा वह बेजोड़ है, और गोरा पुरुष और काली, गोरा पति और काली पत्नी वह तो रोज की माता हो, गोरे बदन पर तिल काला वह बेजोड़ है, काले बदन पर तिल काला वह कोढ़ है, काली पत्नी गोरा पति वह तो जोड़ है, वही तो कृष्ण राधा की जोड़ है। लेकिन गोरे काले से आप टेंशन मत लेना, देखो हम भले ही शरीर से काले हैं लेकिन काले लोग यह सोचना कि जिस कृष्ण का सांवला स्वरूप था उस पे अनेक गोपियां मरती थी, तो यह काला स्वरूप कृष्ण को पसंद है, इसलिए श्याम वर्ण के अंदर कृष्ण पैदा हुए और मैं भी श्याम वर्ण हूं, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, भले ही हमारा शरीर काला हो लेकिन दिल का तो साफ है, इसलिए टेंशन मत लेना, यह तो थोड़ा आनंद है इस कथा के माध्यम से कि किसी को नींद ना आए ना, इसलिए थोड़ा जगाना पड़ता है। और यह गोपियां आज काले भवन को देख करके बड़ी गुस्से में कहती है, तू भी कपटी, और वह काला कृष्ण भी कपटी। तब उद्धव कहते हैं, मेरा कृष्ण कपटी नहीं है, तुम्हें याद करके सिसकियां सिसकियां सिसक सिसक करके रोता है, वह भी भोजन नहीं करता, और उसने आज यह वैजयंती माला और यह पीतांबर दिया है, सब अपने अपने मस्तक पर इसे लगाओ, अपनी छाती से लगाओ, मस्तक से लगाया। यह तो गोपी की और मां की बात हुई, लेकिन अभी एक बाकी है जिसे कृष्ण दिन रात याद करता है। अभी हमने बोला ना कौन, अरे मेरी जान है राधा, तुझ पे पूर्ण धाम में आधा,
नारद जी को संदेश दिया और नारद जी ने कहा कि मैं इस रोग की दवा जान चुका हूं। इस रोग की दवा क्या है पता है? इस रोग की एक दवाई है कि आप सब रानियां मिलकर के अपने चरण की, अपने पैरों की धूल आप इस दूध में मिला करके कृष्ण को पिलाएगी तो कृष्ण की ये बमान बीमारी चली जाएगी। तो सभी रानियों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कई रानियों ने ऐसे कहा कि हमारे चरण की रंग जो हम परमात्मा को पिलाएंगे तो ये बड़ा अपराध नहीं होगा। लेकिन अभी दवाई नहीं है, इसी दवाई से कृष्ण सही होने वाले हैं। इसलिए कृष्ण को दूध में आपके चरण की पैरों की धूल डाल करके पिलाई जाए। तो गोपियां ये तैयार हुई और उसी समय नारद जी ने कहा लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, जिसके पैर की धूल कृष्ण पिएंगे वह तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जिसके पैर की धूल कृष्ण पी होगी उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, अनंत जन्मों में भटकेगा। और जैसे ऐसा कहा कि जिसके चरण की धूल कृष्ण पिएंगे तो कृष्ण ठीक होंगे लेकिन उसके अंत समय उसके अनंत मुक्ति नहीं होगी, तब सभी रानियां दूर की सब गई। इनमें से कोई नहीं लगता जो मेरे दुख को दूर करे। नारद जी किसी को भेजिए राधा के पास और राधा को जाकर के कहना, और राधा के पास गए कि कृष्ण अभी ऐसे तकलीफ में है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए चरणों की धूल चाहिए और चरणों की धूल चाहिए, लेकिन अगर आपने आपके चरण की धूल दी तो कृष्ण ठीक हो जाएंगे लेकिन आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसी अधोगति आपकी होगी। अरे मेरे कृष्ण को ठीक करने के लिए भले मुझे अधोगति प्राप्त हो, मुझे अनंत जन्मों तक भटकना पड़े, लेकिन मेरे चरणों की धूल से कृष्ण अगर ठीक होता है तो वह दुख सहन करने के लिए मैं तैयार हूं। वैसे भी कृष्ण द्वार का गए तब से मैं वियोग में हूं, इतना वियोग और सही चरणों की थोड़ी नहीं पूरी थैली भर करके धूल दी। और कृष्ण के पास जैसे आए और कृष्ण के पास रखा और जैसे ही कृष्ण के पास रखा और कृष्ण को देने गए, कृष्ण उसी में ठीक हो गए। क्यों? राधे तेरे चरणों की।
ज्ञान आधा। आज इन सभी रानियों को पता लगा ये कृष्ण रात दिन राधे राधे क्यों करता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं उसी राधा गोविंद के सानिध्य में बैठकर उन्हीं के गुण का गान कर रहे हैं। एक बार हमारे इस निज मंदिर में बैठे राधा गोविंद को जोरदार तालियों से बधाई दी। हे राधे गोविंद, हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाई रखना। और आज उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन ज्ञानी होने के बावजूद प्रेम नहीं था। लेकिन जब कृष्ण ने ज्ञान तो बहुत दिया उन्हें और उनके पास ज्ञान बहुत था, लेकिन आज कृष्ण उद्धव को प्रेम का पाठ सिखाना चाहते थे। इसी प्रेम पाठ को सिखाने के लिए आज इस ब्रज भूमि में कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा। अब उद्धव जी जब आए थे ना, तब तो जोश में आए थे कि बड़ी गोपियां गोपियां करते हैं, माँ यशोदा यशोदा करते हैं, मेरे नंद बाबा करते हैं, राधे राधे करते हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ ऐसा कैसा प्रेम है कि जो कृष्ण रोज रात को रोते हैं, रजाई ओढ़कर रोते हैं, छत पर जाकर के रोते हैं, अकेले भोजन करते हैं तब रोते हैं, ऐसा कैसा प्रेम है। आज उद्धव जी ने जब इन गोपियों के माध्यम से प्रेम रस का पान किया, ये गोपियां मेरे जैसे ज्ञानी से भी श्रेष्ठ हैं। और वही ब्रज रज अपने मस्तक पर लगाई और उसी ब्रज रज में आलोकने लगे, उसी ब्रज रज को अपने पूरे शरीर पर लगाने लगे कि इस ब्रज रज में इन कन्हैया ने बालपन में अनेक लीला की है। बिना चप्पल के कृष्ण के चरण इस ब्रज भूमि में, इस रज में उनके चरण बहुत घूमे हैं। और ऐसी जो चरण रज है वह पूरे शरीर में लगाई, आंखों में से आंसू गिरे और सबको संदेशा दिया कृष्ण आएंगे, जरूर आएंगे और सबकी प्यास बुझाएंगे। और कृष्ण के चरित्र बहुत अनंत हैं, ऐसी कितनी ही कथाएं हैं कि जो हमारी कथाएं रह जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक सत्य बात कहना चाहता हूं, यह जो कथा है वह एक आईना है, कथा एक आईना है। आपका जैसा रूप होगा ना, आप जैसे होंगे वैसा ही आईना आपको दिखाएगा। वहां पर किसी की भी रिश्वत खोरी नहीं चलती। अगर आप काले हो काले दिखोगे, गोरे हो गोरे दिखोगे, छोटे हो छोटे दिखेंगे, जैसे हो वैसा आईना आपको सत्य दिखाता है। ठीक वैसे ही ये कथा भी एक आईना है। कई भक्त लोग ऐसे हैं जो अपने मन में कई प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं, कथा के माध्यम से कई प्रकार के प्रश्न कथा में लेकर आते हैं। लेकिन मेरे गोविंद का सत्संग ही ऐसा है कि उसे उसके प्रश्न का जवाब पूछने से पहले ही इन कथा के माध्यम से मिल जाता है।
लेकिन आपने इसी कथा के माध्यम से हमारे प्रश्नों का समाधान कर दिया। दूसरी घटना, आपने वॉलीबॉल का खेल देखा है, उसमें क्या होता है, वॉलीबॉल में क्या करते हैं? मेरे पास अगर फुटबॉल आती है, मैं उधर फेंकी, सामने वाले प्लेयर के पास जाती है तो वो उधर फेंकता है, जिस जिस के पास फुटबॉल जाएगी वही उसे शॉट मारेगा। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, अगर कुछ बात निकलती है दोस्त की तो पास में बैठने वाले क्या बोलते हैं, देख तेरे लिए आई आज, तेरी ही बात हो रही है। जैसे फुटबॉल से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी है
शरणार्थी है, कथा श्रवण कर रहे हैं, गोविंद तेरे दरबार में बैठे हैं। मेरे गोविंद की महिमा मैंने ऐसी देखी, गोविंद की महिमा ऐसी देखी, उसके दर पर आने वाला आता है खाली, उसके दर पर आने वाला आता है खाली, लेकिन जब जाता है तो लेकर के जाता है भर भर के झोली। मैं गोविंद से यही प्रार्थना करूंगा, आपके जीवन में अगर कुछ समस्या बाकी है जो भगवान के पास आने से आपको रोक रही है, तो मेरे ठाकुर मैं एक संत के रूप में आपका दास बनकर यहां बैठा हूं और मैं आपका बालक हूं। मैंने सब कुछ समर्पित तेरे चरणों में किया है। एक बालक बुद्धि से गोविंद तेरे चरणों में मैं यह प्रार्थना करता हूं कि जितने भी बैठे हैं सबके मन के मनोरथ पूर्ण करना, सबके ऊपर अपनी प्रसन्नता बरसाए रखना। गोविंद ये कृपा का बारिश इस सब भक्तों के ऊपर करना, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये गोविंद कहता है भर भर के झोली, हम आते हैं खाली, लेकिन भर देता है हमारी झोली, यहां से कोई खाली नहीं जाएगा। और देखो ना, यह गोविंद कभी किसी को अपने दरबार से खाली नहीं भेजते। उनका मित्र था सुदामा, परिस्थिति उसकी गरीब थी, धन दौलत से गरीब था, रोज भिक्षा मांगने जाना पड़ता, भिक्षा में कभी कभी कुछ नहीं मिलता था। और जब गोविंद का ही मित्र है सुदामा, गोविंद का ही मित्र है सुदामा, तो प्रश्न होता है गोविंद का मित्र है फिर भी इतना गरीब है। और एक दिन बच्चे लोगों ने कहा, मां ऐसी कुछ कृपा कर, आज दो दिन हो गए हैं, दो दिन से कुछ भोजन नहीं किया है, दो दिन से कुछ भोजन नहीं किया है और माँ बड़ी भूख लगी है। अभी पिताजी आते होंगे भिक्षा लेकर के, और सुखदेव जी ने
इसीलिए जब आरती का नाद होता है और उस आरती में हम कहते हैं तेरा तुझको क्या लागे मेरा ओ जय जगदीश Thank you.
के आया हूँ, मुझे कुछ स्नान करना है। तब कृष्ण ने कहा, आज तो मैं तुझे मेरी राज गद्दी पर बैठाकर स्नान कराऊंगा। और उस समय जब रानियों को कहा कि जाओ एक एक कलश भर के लाओ और सभी अपने कलश भर कर लाओ, उस कलश से इसका सुदामा का आज यही राज सिंहासन पे अभिषेक करना है। हमारी यहाँ की गोपियां भी थोड़ी कम थी, जिस दिन यह लेकिन वह आप दिखाते नहीं। क्या है
सुदामा, तुझे वह दिन याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरुकुल के लिए यज्ञ रसोई के लिए जब हम लकड़ी लेने जाया करते थे। एक दिन एक पेड़ की डाली पर तू बैठा था और एक पेड़ की डाली पर मैं बैठा था। एक डाली तू काट रहा था, एक डाली मैं काट रहा था, लेकिन अचानक बारिश हुई। बारिश के कारण हम दोनों बैठे रहे और उस समय मुझे बहुत भूख लगी थी और जब मुझे भूख लगी थी ना, तब मैंने तुझे आवाज दिया था कि हे सुदामा, गुरु माता ने कुछ दिया है, कुछ है तेरे पास। उस दिन तूने कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है और जब कृष्ण के पूछने पर सुदामा जी को कृष्ण ने पूछा कि दिल कब से कुछ चबा रहा है, तब तूने क्या कहा था पता है? बहुत ठंडी लग रही है, ठंडी लगने के कारण मेरे दांत कपकपा रहे हैं और पूरे चने जो गुरु माता ने चने दिए थे वह पूरे चने तू खा गया। अब पता लगा कि सुदामा के मित्र थे कृष्ण, और जब कृष्ण सुदामा के मित्र थे फिर भी सुदामा गरीब तो था क्योंकि सुदामा ने कृष्ण का भाग खा लिया था। यह कथा में सिखाती है कि कभी भी अकेले भोजन मत करना, कभी भी अकेले भोजन मत करना, और बाई चांस कोई भी ना हो तो जब भोजन करने बैठो तो उस कृष्ण को याद करना कि आज तेरी ही कृपा से यह दो रोटी मुझे मिली है। तो एक रोटी तू खा, एक रोटी प्रसाद का समझ करके मैं खाऊंगा। तो अकेले हो तो गोविंद को याद करना, अगर कोई साथ में है तो सबसे पहले उसे भोजन कराना और फिर खाना। किसी के हिस्से का भोजन कर मत जाना। स्वर्गारोहण की कथा सुनी थी ना, भीम तूने सबके भाग का भोजन किया है, किसी के लिए रहने नहीं दिया, इसीलिए तू आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए किसी के हिस्से का हड़प मत लेना, किसी के भाग का मत खा जाना। वह सामने वाला अगर निर्बल है, आपसे लड़ाई नहीं कर सकता, तो कुछ देर के लिए आप उसके हिस्से का खा करके खुश हो जाओगे, लेकिन उसका हिस्सा जब आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन को तहस नहस कर देगा और आप सोचोगे कि क्यों यह संकट तकलीफें आ रही हैं। अरे तुमने किसी का भाग खाया है, किसी का हिस्सा तुमने हड़प लिया है, इसी कारण दरिद्रता है। और कृष्ण को आज सुदामा कि जब ये तंदूर लिए तो तंदूर के चार मुट्ठी, सबसे पहले कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए और जैसे एक मुट्ठी खाई तो एक लोक दे दिया। क्या एक मुट्ठी का खाना एक लोक, और जब दूसरी मुट्ठी का आहार किया तो दूसरा लोक दिया, और जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि ठाकुर आप त्रिलोकीनाथ हो, दो लोग तो आप पहले से दे चुके हो और अब तीसरा भी लोग दे दोगे तो हम सब कहाँ रहेंगे? गोविंद तू कहाँ रहेगा, आप कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? और चौथी मुट्ठी का भी अगर आपने पान कर लिया तो हम भी इस सुदामा की दासियां बन जाएगी। गोविंद दो लोग तूने दिए हैं, तू त्रिलोकी का
निकल गए अपने इस राज द्वारका से। जब सुदामा जी निकलने लगे तो जिस देश में आए थे उसी देश में वापिस हो गए और सब कुछ कृष्ण ने वापिस ले लिया। मार्ग में सोचने लगे बच्चे और पत्नी क्या कहेंगे, कृष्ण इतना बड़ा राजा है तो कपड़ों की क्या उसकी कमी है, कपड़े भी उतरवा लिए और जाकर समय कुछ नहीं दिया, कैसा पुत्र है, द्वारका का नाथ है लेकिन हाथ उसका खुलता नहीं है और यह मेरे नाथ कोई याद करता कैसे भी मेरा मित्र है ना। और उस मेरे मित्र ने इतने समय अपने पास रख करके अपने ही भोग के सामग्री का मुझे प्रदान किया, मैं उसी से खुश हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब कोई गोविंद के दरबार में जाता है खाली हाथ जाता है लेकिन भर झोली लेकर वापिस जाता है। मंदिर दे